सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अनवांटेड किट को लेने के कितनी देर बाद आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अनवांटेड किट में आपको 5 टैबलेट देखने को मिल रही है। पहली टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की होती है। अगर मिफेप्रिस्टोन के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ये उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और बाकी की जो 4 टैबलेट हैं ये मिसोप्रोस्टोल होती हैं। मिसोप्रोस्टोल के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मिसोप्रोस्टोल का काम है यूट्रस, मतलब कि जो बच्चेदानी है, उसकी मोर्टिलिटी को इनक्रीज करना, और ये कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। सपोज करें कि ये आपकी बच्चेदानी है, यहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन हुआ है। जब आप इस किट की पहली टैबलेट लोगे मिफेप्रिस्टोन की, तो जो प्रोजेस्टेरोन के कारण अंदर की लेयर बनी थी, प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल के कारण, अब इस टैबलेट ने, मिफेप्रिस्टोन ने, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर दिया, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो जो लेयर बनी थी ये श्रेड हो जाएगी। जब श्रेड होगी, अब श्रेड होने में कुछ टाइम पीरियड लगता है, कम से कम 2 दिन, मतलब 48 आवर लगते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग अलग हो जाएगी यूट्रस से। अगली जब टैबलेट आप लोगे मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट, जो कि यूजली 48 आवर के बाद बोला जाता है लेने के लिए, जब आप इस टैबलेट को लोगे तो ये आपकी यूट्रस में जो आपकी बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा। तो जो बेबी था अंदर इम्प्लांट, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के बाद, बेबी तो अलग हो चुका है, ठीक है, 48 आवर के बाद में, तो जब आप मिसोप्रोस्टोल टैबलेट को लोगे तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन से जो अंदर का मटेरियल था प्रेगनेंसी का, वो एक्सपेल हो जाएगा, यूट्रस से बाहर आ जाएगा। तो ऐसी ये किट काम करती है। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को लेने पर आपको ब्लीडिंग कितने टाइम में शुरू हो जाती है। तो गाइस देखिए, जो पहली टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन की, इस टैबलेट को लेने पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जिनमें फीमेल्स को लाइट एब्डोमन पेन हुआ हो, या फिर लाइट स्पॉट, या फिर नोजिया देखने को मिला हो, और बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम, ना के बराबर, ठीक है। अगली जो डोज है मिसोप्रोस्टोल की, जो 2 टैबलेट आपने इकट्ठी लेनी होती है, इस टैबलेट को लेने पर आपको 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, साथ ही एब्डोमन क्रैम्प्स भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई स्टडीज़ ऐसी भी बताती हैं कि इन टैबलेट को लेने पर 24 घंटे में भी कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये साइनो सिम्टम्स नहीं महसूस होते, उनको ना तो ब्लीडिंग होती है, ना ही एब्डोमन क्रैम्प्स, ना ही नोजिया, वोमिटिंग, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 24 घंटे बाद भी कुछ भी नहीं महसूस होता, तो इसका मतलब ये है कि इस टैबलेट ने काम नहीं किया। अब अनवांटेड किट के काम ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने इस टैबलेट को गलत मेथड से लिया हो, कोई लोकल ब्रांड आपने यूज़ की हो, या फिर आपने एक्सपायर किट को यूज़ किया हो, या फिर जो आपका टाइम पीरियड था वो गलत हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक ये भी रीज़न है कि अगर आपका गेस्टेशन पीरियड, मतलब कि जो प्रेगनेंसी है, वो 63 दिन से ज़्यादा है, वैसे तो आइडियल 49 डेज को माना जाता है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि 49 डेज आइडियल टाइम पीरियड होता है, और इसमें किसी भी जो प्रेगनेंसी, अगर वो 49 डेज की है तो उसे ईजिली टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर प्रेगनेंसी 63 डेज से ज़्यादा की होती है तो उसको टर्मिनेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और वहां पर आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर 63 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, तब भी ये टैबलेट काम नहीं करती, और वहीं अगर गेस्टेशन पीरियड 30 दिन से कम का है, तब भी ये टैबलेट अपना काम नहीं करती है, ओके।
तो आज का हमारा टॉपिक था कि आपको ब्लीडिंग कितने टाइम में शुरू हो जाएगी। तो गाइस इस टैबलेट को लेने पर, जो मिसोप्रोस्टोल टैबलेट है, इस टैबलेट को लेने पर 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि मैक्सिमम 24 घंटे तक रहती है, ठीक है। और 24 घंटे के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, 10 दिन में ये अपने आप सेटल हो जाती है। मतलब कि जो आपको एब्डोमेन क्रैम्प्स हुआ था, नोजिया, वोमिटिंग और ब्लीडिंग शुरू हुई थी हैवी ब्लीडिंग से, धीरे धीरे कम होकर ये 10 दिन में सेटल हो जाती है। और हम 14th डे पर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं पेशेंट को करवाने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज़, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।